ये 6 माह का जो प्रशिक्षण होता है हमारे वन रक्षकों का, ये कंपलसरी होता है इनका सर्विस में, और बहुत महत्वपूर्ण प्रशिक्षण होता है। और मेरे विचार से जो इस समय जो हमारे अकादमी का जो नेतृत्व है और जो अधिकारी यहाँ पे हैं, जो टीम यहाँ पे है, वो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग की क्वालिटी अच्छी रही है। जो दीक्षांत समारोह आज हमारा हुआ है, तो इसके साथ ही हमारा जो द्वितीय सत्र है प्रशिक्षण का, उसका समापन हो गया है और हमने सफलतापूर्वक मंजिल की मांग लहू से ही सजती है। माननीय हमारी सरकार द्वारा आपने पिछले कार्यकाल तथा वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास की ठोस नीतियां तैयार कर उन्हें धरातल पर प्रभावी रूप से मूर्त रूप प्रदान किया गया है। हमने न केवल प्रदेश में अवस्थापना विस्तार, निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने और उद्योग स्थापित करने पर बल दिया, अपितु समाज के विभिन्न समूहों, विशेषकर किसान, महिला, युवा, श्रमिक तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग के सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन की दिशा में निरंतर कार्य किया। मैं सम्मानित सदन के समक्ष इस क्रम में कुछ प्रमुख उपलब्धियों एवं प्रयासों का संक्षिप्त ब्यौरा रखना चाहूंगा। किसान, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 46,22,000 गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना भुगतान मूल भुगतान कराया गया, जो वर्ष 12 से 17 तक की अवधि में किए गए कुल गन्ना मूल्य भुगतान 95,125 करोड़ रुपए से 86,728 करोड़ रुपए अधिक है। गन्ना उत्पादकता में 1,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि से किसानों की आय में औसतन 349 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 34,656 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त गन्ने के साथ अंतः फसली खेती से कृषकों को लगभग 25% की अतिरिक्त आय हुई। रबी विपणन वर्ष 2022-23 में 2,015 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित था। विपणन वर्ष के दौरान 87,991 किसानों से 3.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष किसानों के खातों में PFMS पोर्टल के माध्यम से 675 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कामन श्रेणी हेतु रुपए 2040 तथा ग्रेड ए हेतु रुपए 2060 प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है। अद्यतन 62.66 लाख मीट्रिक टन धान क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष सीधे किसानों के खातों में PFMS पोर्टल के माध्यम से 10.30 लाख किसानों के बैंक खातों में 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में अब तक 51,639.68 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि DBT के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की गई। किसानों के निजी नलकूपों के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को निर्धारित समय पर बदला जा रहा है। प्रदेश के डाक जोन में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे हुए प्रतिबंध को हटाने से 1 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। महिला एवं बाल विकास, बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को 15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 1,050 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गठन किया जाता है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 63 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण अनुदान योजना अंतर्गत
वर्तमान में 32,62,000 निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। इस हेतु 2023-24 के बजट में 4,032 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि संचालित हैं। प्रदेश में नियमित टीकाकरण के अंतर्गत अक्टूबर 2022 तक 95% बच्चों को टीका लगाया गया। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 36,82,000 से अधिक बच्चों एवं 10,31,000 से अधिक गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया गया है। प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 3 महिला PSC बटालियन का गठन किया जा रहा है। युवा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट / स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 3600 करोड़ रुपए के व्यवस्था प्रस्तावित। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 50 इंक्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप कार्यरत हैं। नीति के अंतर्गत PGI लखनऊ, IIT कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में परिचालन प्रारंभ किया जा चुका है। इंक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप के लिए सीड फंड हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश सूचना और प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित। देश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक कोर्सेज स्किल्स में प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 वर्षों में 12,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा 4,88,000 युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायुक्त कराया गया। युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए 10 करोड़ रुपए तथा युवा अधिवक्ताओं के लिए कार्पस फंड हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। रोजगार मनरेगा योजना के तहत अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक प्रदेश में 26,29,000 मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 22-23 में अब तक लगभग 1,07,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है एवं 81,283 स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड प्रदान करते हुए 3497 स्वयं सहायता समूह को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक उद्यमों की स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन किया गया है। MSME अधिनियम 2020 के माध्यम से इकाइयों को 1,000 दिवस तक किसी भी विभाग में से निरीक्षण से छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार के निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को उद्यम स्थापना के क्रम में वांछित अनापत्ति लाइसेंस अनुमति आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्णतः लाइन करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें उद्यमी समयबद्ध रूप से स्वीकृतियां आदि प्राप्त कर रहा है। सरकार के इन प्रयासों से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 24 नवंबर 2023 तक 3,95,000 से अधिक उद्यम पंजीकृत हुए, जिसमें 25,64,000 से अधिक रोजगार का सृजन हुआ। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना अंतर्गत 1,35,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण के अंतर्गत अब तक 83,473 से अधिक हस्तशिल्पियों, पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण एवं टूल किट वितरण किया गया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 1,73,000 से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत 17,147 लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं तथा रोजगार के 1,37,000 से अधिक अवसरों का सृजन हुआ है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 6 वर्षों में
12,50,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पंजीकृत किया गया है। प्रमाणीकृत हुए युवाओं में से 4.88 लाख को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवा आयोजित कराया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 17,559 इकाइयां स्थापित करते हुए 1,96,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ग्राम उद्यम रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 4,837 इकाइयां स्थापित करते हुए 88,808 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। अप्रेंटिसशिप के माध्यम से युवाओं को उद्योगों में भत्ते के साथ प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के क्रम में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 31,000 युवाओं को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 10,00,000 करोड़ रुपए का निवेश एवं 20,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 1,53,728 अभ्यर्थियों को चयनित किया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रदेश सरकार द्वारा अब तक राजकीय विद्यालयों में 6,314 सहायक अध्यापक, 1,890 प्रवक्ता एवं 80 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है। सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,249 सहायक अध्यापक, 5,226 प्रवक्ता एवं 849 प्रधानाचार्यों को पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए चयन कर नियुक्त किया गया। सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 7,248 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित है। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग दिव्यांग भरण पोषण अनुदान हेतु 1,120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुष्ठावस्था पेंशन योजना हेतु 42 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इस वर्ष 35,950 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 10.33 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को 1,190 करोड़ 49 लाख रुपए का ऋण वितरित कराते हुए उत्तर प्रदेश ऋण वितरण में देश में प्रथम स्थान पर है रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के फेज 3, 4 एवं फेज 5 में 81.25 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया गया। श्रमिक कल्याण प्रदेश में अब तक 1.53 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों तथा 3,14,611 निर्माण स्थलों का पंजीकरण कराया जा चुका है। कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 5 लाख रुपए, स्थायी दिव्यांगता पर 4 लाख रुपए एवं आंशिक दिव्यांगता पर 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एक एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत अब तक 6,65,977 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। प्रदेश में 5,021 रोजगार मेलों का आयोजन कराया गया जिनके माध्यम से 7,29,000 से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। प्रदेश के सर्वाधिक बाल श्रम से प्रभावित जिलों के हॉट स्पॉट को चिन्हित करते हुए 490 ग्राम पंचायतों / शहरी वार्डों को बाल श्रम मुक्त घोषित करने का सवेरा योजना का संचालन किया गया जिनमें 30,287 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत 2,000 बच्चों को योजना से आच्छादित कर लाभ दिया जा रहा है। अवस्थापना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मार्च 2017 से अद्यतन 17.62 लाख आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यातायात संचालित है। एक्सप्रेस वे के पास आसपास औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है
एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण प्रगति पर है तथा दिसंबर 2022 तक 56% कार्य पूर्ण हो चुका है। मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किलोमीटर लंबे लगभग 36,230 करोड़ रुपए से बन रहे लागत से बन रहे गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस वे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे की नई परियोजनाओं के प्रारंभिक चरण हेतु 235 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किए जाने हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 1000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। फिल्म सिटी से लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की संभावना के साथ साथ रोजगार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में लगभग 21,696 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण किया जा चुका है तथा लगभग 18,407 किलोमीटर लंबाई में मार्गों का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है। 188 दीर्घ सेतु पहुंच मार्ग सहित पूर्ण किए जा चुके हैं तथा 74 रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर आवागमन हेतु चालू किए जा चुके हैं। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं जन सामान्य को यातायात की सुविधा देने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय मार्गों का विकास जिसके क्रम में 1024 किलोमीटर लंबाई की 87 सड़कों में 75 सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के 60,397 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का को गड्ढा मुक्त तथा 14,144 किलोमीटर लंबाई के मार्गों को नवीनीकृत किया गया। कानून व्यवस्था जन सामान्य को सुरक्षा प्रदान करने एवं कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम और सुदृढ़ करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिलाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी कार्रवाई करके इनके लिए निरापद वातावरण उपलब्ध कराने के प्रति सरकार निरंतर प्रयासरत है। सरकार की अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाए जाने एवं आपराधिक असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण करने के उद्देश्य से कार्य योजना बनाकर अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जा रही है जिसके फलस्वरूप अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है। वर्ष 2016 के सापेक्ष आलोच अवधि में डकैती में 80.31%, लूट में 61.51%, हत्या में 32.45%, बलवा में 51.65%, गृह भेदन में 5.59%, चोरी में 17.22%, रोड होल्डअप में 100% और फिरौती हेतु अपहरण में 43.18% की कमी आई है। अपराधों पर अंकुश लगाए जाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त अवधि में महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों में दहेज मृत्यु में 15.81%, बलात्कार में 21.75% व अपहरण में 9.17% की कमी आई है। महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों पर पुलिस हेतु नियंत्रण हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में एंटी भूमाफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से संबंधित 3,41,236 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें से 3,39,552 शिकायतें निस्तारित की गई। अभियान के अंतर्गत 70,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल और अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है। 23,920 राजस्व वाद, 923 सिविल वाद एवं 4504 FIR दर्ज कराई गई हैं। 847 अतिक्रमणकर्ताओं को भू माफिया के रूप में चिन्हित किया गया। वर्तमान में 196 भू माफिया जेल में निरुद्ध। साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु प्रदेश के प्रत्येक परिक्षेत्र में साइबर क्राइम पुलिस थाना की स्थापना की गई है। प्रदेश के समस्त थानों में 1531 साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर बेसिक साइबर फोरेंसिक लैब
एवं पुलिस मुख्यालय पर एडवांस्ड डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना कराई जा रही है। कर्तव्य पालन के दौरान शहीद ऑब्लिक मृत पुलिस कर्मियों एवं उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों, अन्य प्रदेशों के अर्ध सैन्य बलों अथवा भारतीय सेना में कार्यरत रहते हुए 73 शहीद मृत कर्मियों के आश्रितों को 17,96,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। नवसृजित पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालय एवं अनावासीय भवनों आदि की व्यवस्था हेतु 850 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। प्रदेश में पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को आवासीय सुविधा शहरी क्षेत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। SDRF के सुदृढ़ीकरण हेतु नए वाहनों के क्रय के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। मान्यवर, COVID-19 वैश्विक महामारी के सामने विश्व के ताकतवर समझे जाने वाले देश असहाय हो गए थे। उस विषम परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की जनता के सहयोग से प्रदेश को उस कठिन कालखंड से बाहर निकाला। कोविड कालखंड में जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा उन्हें ध्यान में रखते हुए अत्यंत त्वरित गति से प्रदेश में स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार किया गया और प्रवासी श्रमिकों के पुनर्वास की अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की। मैं यहाँ कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मंजिले लाख कठिनाई गुजर जाऊंगा, हौसले हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता, लेकिन मैं जिधर जाऊंगा रोशनी ले जाऊंगा। चिकित्सा स्वास्थ्य, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 12,631 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 1,655 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर, क्रिटिकल केयर यूनिट जनपदों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना, नेशनल सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल का सुदृढ़ीकरण, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन के विस्तार के लिए पोर्टल की स्थापना तथा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एवं मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल की स्थापना आदि कार्यों हेतु 1,547 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का संचालन संपूर्ण प्रदेश दिनांक 23 सितंबर 2018 से किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 2.34 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। लाभार्थी परिवारों को प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। भारत सरकार द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमबद्ध तरीके से क्रियाशील हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में परिवर्तित किया जा रहा है। कन्वर्जन ऑफ रूरल सब हेल्थ सेंटर्स एंड PHC टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हेतु 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 407 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 320 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए उपकरणों के क्रय हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। प्राथमिक ऑब्लिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। चिकित्सा शिक्षा आ गया। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की योजना के अंतर्गत प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किए जा चुके हैं। 14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। असेवित 16 जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना PPP मॉडल पर की जा रही है। 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2,491,39,00,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु कमजोर वर्गों के लिए खासतौर से असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।
उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की। स्वशासित चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना हेतु 26 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। प्रदेश में स्थित सरकारी एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों में MBBS की कुल 8528 सीटें उपलब्ध हो गई हैं। प्रदेश में स्थित सरकारी एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों में वर्ष 2022-23 में PG की कुल 2847 सीटें हो गई हैं। वर्ष 2022 में लगभग 300 संस्थानों में नर्सिंग / पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। प्रदेश में राजकीय पैरामेडिकल कॉलेजों की संख्या 17 से बढ़ाकर 19 की गई, जबकि निजी क्षेत्र के स्कूलों की संख्या 227 से बढ़ाकर 351 की गई। टर्शियरी चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ किए जाने के क्रम में SGPGI लखनऊ के 558 बेड के इमरजेंसी मेडिसिन एवं रीनल ट्रांसप्लांट केंद्र की स्थापना की गई। इसके अलावा SGPGI में लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर व एडवांस डायबिटिक सेंटर की स्थापना की गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ प्रयागराज एवं KGMU लखनऊ में डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्थापना की गई है। राम मनोहर लोहिया संस्थान लखनऊ में एडवांस्ड न्यूरोसाइंस केंद्र का कार्य प्रगति पर है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन 14 मंडलीय कार्यालयों तथा प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण, मशीनों तथा उपकरणों के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास ITES डेटा सेंटर, ISDM डिफेंस एवं एरोस्पेस इलेक्ट्रिक वाहन वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स पर्यटन टेक्सटाइल MSME सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए लगभग 25 नीतियां प्रख्यापित की गई, जिनके माध्यम से प्रदेश में समेकित औद्योगिक विकास के लिए एक समग्र परिस्थिति की तंत्र बनाने में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में त्वरित परिवहन के दृष्टिगत कई एक्सप्रेस वेज का निर्माण किया जा रहा है। इसमें प्रदेश में द्रुत परिवहन के साथ साथ एक्सप्रेस वेज के दोनों तरफ औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधियां तेज होंगी, जो प्रदेश के आर्थिक विकास में सहायक होंगी। 5 लाख रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से प्रदेश में बनाए जा रहे एक्सप्रेस वेज के किनारे औद्योगिक गलियारों के सृजन का निर्णय लिया गया है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ प्रदेश में औद्योगिक विकास का वातावरण बनेगा, जिससे भविष्य में और अधिक विकास के रास्ते खुलेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एवं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के किनारे 6 स्थानों पर औद्योगिक निर्माण संकुल बनाने का निर्णय लिया गया है। इनमें से 4 संकुल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे तथा 2 संकुल बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के किनारे बनाए जाने के प्रस्ताव है। प्रदेश सरकार द्वारा पहला इन्वेस्टर समिट फरवरी 2018 में आयोजित किया गया, जिसमें प्राप्त निवेश प्रस्तावों के सापेक्ष लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो चुका है। भारत के व्यवसाय में सुगमता की रैंकिंग में 12 स्थानों का उल्लेखनीय सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश देश के द्वितीय स्थान पर आ गया है। सफलता के पश्चात राज्यों की अचीवर्स श्रेणी में सम्मिलित होना इसका स्पष्ट प्रमाण है। प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन प्रदेश के त्वरित आर्थिक विकास व रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसरों के सृजन में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों MSME की महती भूमिका है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रदेश में अधिकाधिक MSME इकाइयों की स्थापना कराकर प्रदेश में पूंजी निवेश एवं रोजगार सृजन सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नवीन MSME नीति 2022 में रोजगार सृजन में 15% वार्षिक वृद्धि प्रस्तावित है। इस नीति के अंतर्गत MSME इकाइयों को प्रथम बार 4 करोड़ रुपए तक की पूंजी उपादान उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। उक्त नीति के अंतर्गत उद्यमियों को अधिक से अधिक लाभान्वित कराया जाएगा, जिससे प्रदेश में पूंजी निवेश के साथ ही अधिकाधिक रोजगार सृजन हो सकेगा। प्रदेश में ODOP एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। सड़क एवं सेतु वर्तमान सरकार के अब तक कार्यकाल में लगभग 21,696 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण मार्गों का निर्माण तथा अब तक लगभग 18,407 किलोमीटर लंबाई के मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया गया है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने
एवं जन समस्त सामान्य को यातायात की सुविधा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय मार्गों का विकास, जिसके क्रम में 1024 किलोमीटर लंबाई का 87 सड़कों में से 75 सड़कों का निर्माण पूर्ण किया गया। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत 181 राजस्व ग्रामों में सड़क निर्माण किया गया। सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 21,162 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 6,250 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि विपणन सुविधाओं हेतु पुलों एवं सड़कों के कार्य के लिए 3473 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों हेतु 1525 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1700 करोड़ रुपए एवं अन्य सेतुओं हेतु 1850 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजमार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा नए कार्यों हेतु 2588 करोड़ रुपए करोड़ 80 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रमुख अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा नए कार्यों हेतु 2538 करोड़ रुपए 2538 करोड़ 80 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। धर्मार्थ मार्गों के विकास हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुसंरक्षण और हेतु 3000 करोड़ रुपए तथा निर्माण हेतु 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। औद्योगिक लॉजिस्टिक्स पार्क हेतु 4 लेन मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों को चौड़ीकरण तथा एवं सुदृढ़ीकरण नवनिर्माण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सिंचाई एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 240.93 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 188.40 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। इसमें से 165.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कृषि कार्य होता है। प्रदेश में 75,090 किलोमीटर लंबी नहर प्रणालियां, 34,316 राजकीय नलकूपों, 29 पंप नहरों, 252 लघु डाल नहरों एवं 69 जलाशयों से लगभग 99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी सरकार के पिछले कार्यकाल में 20 परियोजनाएं पूर्ण की गई। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 21.42 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित हुई, जिससे 44,72,000 कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। मध्य गंगा द्वितीय चरण परियोजना, कचनौदा बांध के अवशेष कार्यों की परियोजना, शहजान बांध स्प्रिंकलर परियोजना, लखेरी बांध परियोजना आदि परियोजनाओं के पूर्ण होने से 1.62 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी, जिससे प्रदेश में 4.26 लाख कृषक लाभान्वित होंगे। विगत 5 वर्षों में लगभग 7426 किलोमीटर लंबाई की नहर पटरियों को गड्ढा मुक्त नवीनीकरण किया गया है। राजकीय नलकूपों एवं लघु डाल नहरों से संबंधित 8 परियोजनाओं को पूर्ण करते हुए लगभग 1,17,435 हेक्टेयर की सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना कर लगभग 83,055 कृषक परिवारों को लाभान्वित किया गया। प्रदेश के विभिन्न 62 जनपदों में 2100 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण परियोजना नाबार्ड पोषित ब्रैकेट आगामी 2 वर्षों में परियोजना के समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुए 1.5 हेक्टेयर सिंचन क्षमता के सृजन का लक्ष्य है, जिससे लगभग 1,03,000 कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। प्रदेश के विभिन्न 30 जनपदों के डाक जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण परियोजना आगामी 2 वर्षों में परियोजना के समस्त कार्यों को पूर्ण करते हुए 56,90,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना का लक्ष्य है, जिससे लगभग 39,800 कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। वित्तीय वर्ष 23-24 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल विकास हेतु 2,803 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए 5,332 करोड़ 50 लाख रुपए, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 2,220 करोड़ 20 लाख रुपए तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,400 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुख्य पानी की सुविधा हेतु 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना नाबार्ड पोषित एवं 502 करोड़ रुपए एवं 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। LTIF योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्य गंगा परियोजना के लिए 375 करोड़ रुपए, सरयू नहर परियोजना के लिए 192 करोड़ रुपए तक व्यवस्था प्रस्तावित है। जल निकास नाबार्ड बोर्ड की परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 330 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजनाओं के लिए
1619 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 19,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023-24 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 25,350 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2023-24 में तक इन योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 2.26 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान कर शुद्ध एवं सतत पेयजल योजना उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 188 योजनाओं जिनकी लागत 455.15 करोड़ रुपए है को पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। नागरिक उड्डयन, हमारी सरकार के कार्यकाल में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं तथा 80 गंतव्य स्थानों के लिए एयर सर्विस उपलब्ध है। प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। जेवर तथा अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। शीघ्र ही प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के क्रियाशील हो जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट में रनवेज की संख्या 2 से बढ़ाकर 5 किए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। हमारी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 4 एयरपोर्ट्स के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 6 एयरपोर्ट्स अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट तथा सोनभद्र का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो रहा है। आगे आने वाले वर्षों में प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट, इस प्रकार कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। हमारा ये मानना है कि प्रदेश की जनता को हवाई यात्रा सुलभ में हो। प्रदेश में जिस प्रकार हवाई यात्रा की सुविधा का विस्तार हो रहा है वह कदाचित इन पंक्तियों के में सांकेतिक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। हमारे पंखों पे कौन विराम लगा सकता है जब हमें नियति से उड़ने का वरदान मिले। ऊर्जा, वर्तमान में जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 20 से 22 घंटे और गांव को 18 से 20 घंटे बिजली दिए जाने का रोस्टर निर्धारित है। 1 अप्रैल 2017 से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में 14.38 घंटे, तहसील क्षेत्र में 16.58 घंटे तथा शहरी क्षेत्र में 21.8 घंटे आपूर्ति के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में माह अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022 तक औसतन ग्रामीण क्षेत्र में 17.26 घंटे, तहसील क्षेत्र में 20.52 घंटे तथा शहरी क्षेत्र में 23.26 घंटे आपूर्ति की गई। वर्ष 2017-18 से कुल 121,324 बजरे विद्युतीकृत किए जा रहे हैं, जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपये की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई। इस योजना में 62.18 लाख इच्छुक घरों को विद्युत संयोजन निर्गत किए गए। कृषि कार्यों में तो समुचित रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए 11 KV कृषि एवं गैर कृषि ग्रामीण फीडरों के प्रतिकीकरण योजना के अंतर्गत लक्षित 2227 तक फीडरों का प्रतिकीकरण पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश में स्थापित होने वाली तापी उत्पादन परियोजनाओं तथा यथा घाटमपुर ओबरा सी व जवाहरपुर से ऊर्जा निकासी हेतु लगभग 7076.37 करोड़ रुपए की पारेषण परियोजनाओं का निर्माण PPP पद्धति से कराया जा रहा है। इनमें से लगभग 4081.23 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं तथा शेष निर्माणाधीन है। वर्ष 2019-20 में औसतन उत्पादन उपलब्धता 3766 मेगावाट प्रतिदिन, वर्ष 2020-21 में औसत उत्पादन उपलब्धता 3816 मेगावाट प्रतिदिन तथा वर्ष 21-22 में औसतन उत्पादन उपलब्धता 3998 मेगावाट प्रतिदिन रही है। 2x660 मेगावाट जवाहरपुर तापी परियोजना, 2x660 मेगावाट ओबरा सी तापी विस्तार परियोजना एवं 1x660 मेगावाट पंकी तापी परियोजना का आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्ण होना एवं उत्पादन कार्य प्रारंभ होना लक्षित है। पारेषण तंत्र की क्षमता को जो कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में 16,348 मेगावाट थी को वर्ष 2021-22 में 28,000 मेगावाट तक किया गया। इसे वित्तीय वर्ष 2022-23 तक बढ़ाकर 30,806 मेगावाट तक किया जाना लक्षित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में 50% की छूट प्रदान की गई थी, जिसे लोक कल्याण संकल्प पत्र में की गई घोषणा के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 100% कर दिया गया।
जिसके लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुंदेलखंड में स्थापित की जाने वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत निकासी के लिए केंद्र सरकार तथा जर्मनी की संस्था KFW की सहायता से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सेकंड परियोजना के अंतर्गत पारिश्रमिक तंत्र के निर्माण हेतु 1554 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस परियोजना को 3 वर्षों में पूर्ण किया जाना लक्षित है। विद्युत वितरण क्षेत्र की कुशलता एवं क्षमता वृद्धि हेतु केंद्र सरकार की सहायता से रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम प्रारंभ की गई है, जिसके लिए 6500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। विद्युत प्रकाश और शक्ति का स्रोत है। यह वह शक्ति है जिसके अभाव में नगर अंधकारमय और समाज गति शून्य हो सकता है। इसीलिए हमारी सरकार ने ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा मगर ऐसा नहीं होने दूंगा, जब तलक भी मेरी इस पलकों पे दिए हैं रोशन, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 317 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नीति के अंतर्गत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। नीति के अंतर्गत सरकारी एवं निजी भवनों पर 6,000 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना, 14,000 मेगावाट क्षमता यूटिलिटी स्केल सौर पावर परियोजनाओं सोलर पावर पार्क की स्थापना कराई जाएगी। 2,000 मेगावाट क्षमता PM कुसुम योजना अंतर्गत निजी ऑन ग्रिड पंप का सोलराइजेशन एवं पृथक कृषि विद्युत फीडरों को सोलराइजेशन कराया जाएगा, जिनकी सम्मिलित क्षमता 2000 मेगावाट होगी। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये नीति आगामी 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। नीति के अंतर्गत कृषि अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों से प्रेसमड, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट इत्यादि जैसे विभिन्न जैव अपशिष्टों का उपयोग कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, बायोकोल पैलेट्स और ब्रिकेट्स, बायोडीजल, बायोएथेनॉल की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई हेतु अनुदान पर सोलर पंप स्थापित कर लाभान्वित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 29,652 सोलर पंपों की स्थापना कराई जा चुकी है। प्रदेश के विभिन्न ग्रामों के गरीब परिवारों के घरों पर प्रकाश पंखे एवं मोबाइल चार्जिंग की सुविधा हेतु 1.93 लाख सोलर पावर पैक संयंत्रों की स्थापना कराई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना की योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अंतर्गत लगभग 3.10 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना कराई जा चुकी है। आवास एवं शहरी नियोजन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के AHP घटक के अंतर्गत वर्तमान में 76 परियोजनाओं में लगभग 48,277 भवन निर्मित किए जा रहे हैं। इनमें से 22,718 भवन पूर्ण किए जा चुके हैं, जबकि अवशेष भवन मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जाना लक्षित है। लखनऊ विकास विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोपवे सेवा विकसित किए जाने हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 585 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्ताव है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्ताव है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1306 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। वाराणसी गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्ताव है। गोरखपुर नगर स्थित गौड़ धोइया नाला एवं रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार तथा इंटरसेप्शन डाइवर्जन एवं ट्रीटमेंट संबंधी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 650 करोड़ 10 लाख रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। नगर विकास अमृत योजना के अंतर्गत प्रदेश में जलापूर्ति एवं सीवरेज की कुल 282 परियोजनाएं, जिनकी कुल लागत 11,156 करोड़ रुपए है, में से पेयजल की 169 परियोजनाओं में 144 तथा सीवरेज की 113 परियोजनाओं में 77 पूर्ण परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 1 के अंतर्गत प्रदेश के 75 नगरीय निकायों में 89,21,000 टन लीगेसी वेस्ट एकत्रित था, जिसमें से 51,00,000
21,000 टन के लीगेसी बेस का निस्तारण कर दिया गया है। शेष का निस्तारण हेतु कार्य प्रक्रिया अधीन है। प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी के अंतर्गत वर्ष 2017 से अद्यतन उत्तर प्रदेश में 17.62 लाख मकानों को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अंतर्गत लगभग 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को 27,748 करोड़ रुपए की धनराशि डीबी टीम के माध्यम से हस्तांतरित की गई। महाकुंभ मेला 2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किया जाना है, जिसकी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। वर्ष 2022-23 में प्राविधानित 621.55 करोड़ रुपए के सापेक्ष आगामी बजट में 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अंतर्गत कान्हा गौशाला के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट में 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। अमृत दो के अंतर्गत पेयजल सीवरेज तथा वाटर बॉडीज हेतु वर्ष 2022-23 में 2000 करोड़ रुपए के बजट के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 180% की वृद्धि करते हुए 5,616 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन 2 से के अंतर्गत शौचालय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूज्ड वाटर मैनेजमेंट हेतु 1,356 करोड़ 36 लाख रुपए के सापेक्ष वर्ष 23-24 में 2,707 करोड़ 86 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, जो लगभग 100% की वृद्धि दर्शाती है। नगर विकास विभाग की नगरीय सड़कों के समुचित विकास हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। प्रदेश में धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान के रूप में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के चिन्हित नगर निकायों को आकांक्षी नगर निकायों के रूप में विकसित करने हेतु आधारभूत संरचना के विकास हेतु अनुदान दिए जाने के लिए प्रारंभ की जा रही आकांक्षी नगर योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नियोजन त्वरित आर्थिक विकास योजना के हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में नए कार्य हेतु 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। बुंदेलखंड की विशेष योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पूर्वांचल की विशेष योजनाओं हेतु 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन क्रियान्वयन अनुसरण के कार्यों में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन कार्य करने हेतु विधिक प्रक्रिया अंतर्गत शोधार्थियों का चयन किया गया है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम विकास प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में आवंटित 4,33,536 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 4,24,344 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है तथा शेष आवास निर्माणाधीन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8,62,767 आवासों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष निर्माण कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों पर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 12,39,877 आवासों का लक्ष्य प्रस्तावित है। योजना हेतु 9,000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 5,966 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक 1,43,821 लाभार्थियों को लाभान्वित कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट में योजना हेतु 1,203 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी दूरबन मिशन योजना का उद्देश्य गांव के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराया कर ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ पलायन रोकना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना हेतु 87.49 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के 5,89,189 ग्राम पंचायतों में विभिन्न बैंकों के माध्यम से बैंकिंग बिजनेस करस्पॉन्डेंट सखी की पदस्थापना का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 34,292 बीसी सखी द्वारा 7,846 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेन देन किया गया है। सुदूर ग्रामों को विकास खंडों एवं कस्बों से जोड़ने हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत 453 वाहनों का संचालन समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय
निर्माण तथा 330 विकास खंडों में प्लास्टिक मैनेजमेंट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना हेतु 2288 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 622 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2478 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गांव में ई गवर्नेंस विस्तार करने हेतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मैनुअल स्कैवेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना हेतु 1,65,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु एक नवोन्मेषी कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह नवंबर 2022 तक 12 किस्तों में 51,639 करोड़ रुपए का भुगतान DBT के माध्यम से कृषकों के बैंक खातों में किया गया। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना हेतु 631,93,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के 49 जनपदों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें गंगा नदी से जुड़े 26 जनपद सम्मिलित हैं। योजना के अंतर्गत 1714 क्लस्टर्स आच्छादित हैं, जिनका सम्मिलित क्षेत्रफल 85,710 हेक्टेयर है। योजना हेतु 113,52,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1950 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984,54,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस योजना हेतु 753,70,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 55,60,00,000 रुपए की व्यवस्था की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु 102,81,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। धन बीज मिनी किट वितरण योजना हेतु 15,15,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों के डिजिटल डाटाबेस हेतु एग्री स्ट्राइक योजना हेतु 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है तथा प्रदेश के लगभग 46,00,000 गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के या परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है। जुलाई सत्र 2021-22 में प्रदेश के 27.60 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती की गई तथा 120 चीनी मिलों द्वारा 1,016,00,000 टन गन्ने की पिराई कर 101.98 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया। वर्तमान पिराई सत्र 2022-23 में 117 चीनी मिलों का संचालन हुआ है एवं इस सत्र में प्रदेश का गन्ना क्षेत्रफल 28.53 लाख हेक्टेयर है, जिससे चीनी का उत्पादन 105 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। वर्तमान सरकार द्वारा कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया है, जिससे गन्ना मूल्य खाता केवल मिल प्रतिनिधि के स्थान पर अब मिल प्रतिनिधि एवं जिला गन्ना अधिकारी तथा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जा रहा है। चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य मद की धनराशि के व्यावर्तन पर पूर्ण अंकुश लगा है। विगत 5 वर्षों में 27,531 हेक्टेयर गन्ना खेती में ड्रिप इरीगेशन संयंत्र की स्थापना हुई है। इससे 50% तक सिंचाई जल की बचत होगी। सिंचाई जल के साथ पोषक तत्वों के प्रयोग से 50% रासायनिक उर्वरकों की बचत होगी। साथ ही ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से क्षारयुक्त और अल्प वर्षों वाले क्षेत्रों में भी गन्ने की खेती संभव हो सकेगी। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषकों की आय में अभिवृद्धि हेतु कृषि शिक्षा शोध एवं अनुसंधान के साथ साथ प्रसार कार्यक्रमों की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि विश्वविद्यालय कानपुर अयोध्या बांदा
तथा मेरठ में अवस्थापना कार्य हो तो लगभग 35 करोड़ रुपए की व्यवस्थापना स्थापित है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय कैंपस आजमगढ़ में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा जनपद गोंडा में कृषि महाविद्यालय कैंपस की स्थापना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दुग्ध विकास, भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है जिसमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता राज्य है। दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या एवं घटती हुई कृषि योग्य भूमि के कारण दुग्ध व्यवसाय की एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्बल भूमिहीन मजदूर बेरोजगार हेतु अतिरिक्त आय का लाभ प्रद साधन है। वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 86,95,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में 61,21,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद मेरठ व वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले दुग्ध उद्योग की इकाइयों को वित्तीय अनुदान, रियायतें एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशुपालन, प्रदेश के निराश्रित बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में 187 बृहद गो संरक्षण केंद्र का निर्माण कराया जाना लक्षित है, जिसके सापेक्ष 171 केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण है। प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुंदेलखंड के प्रत्येक जनपद में 5-5 गो आश्रय केंद्र स्थापित क्रियाशील हैं। छोटा गोवंश के रखरखाव हेतु 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना हेतु 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशु रोग नियंत्रण हेतु 116,52,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में भेड़ बाहुल्य जनपदों में भेड़ पालन योजना हेतु 3,44,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मत्स्य, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत होलसेल फिश मार्केट के लिए 257,50,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 741,98,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन हेतु 206,27,00,000 रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के कृषकों को गुणवत्तापूर्ण टिश्यू कल्चर केला पौध उपलब्ध कराने हेतु ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहारनपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जिला सहकारी बैंकों के वित्तीय सुधारीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2021-22 में 7,756.91 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है, जिससे 18.76 लाख कृषकों को लाभान्वित हुए। वर्ष 2022-23 में दिनांक 30/11/2022 तक 6,936.76 करोड़ रुपए का ऋण वितरित कर 15.41 लाख कृषकों को लाभान्वित किया गया है। खादी एवं ग्राम उद्योग, पंडित दीनदयाल ग्राम उद्योग रोजगार योजना अंतर्गत भारत सरकार के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में लाभान्वित लाभार्थियों को ब्याज उत्पादन की सुविधा 3 वर्षों तक दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना हेतु 10 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। खादी एवं ग्राम उद्योग विकास एवं सतत रोजगार प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे हाथ कागज केंद्र काल्पी जालौन के पुनरुद्धार दोना पतली मिशन मशीन का वितरण, सोलर चरखा का वितरण कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में माटी कला के परंपरागत कारीगरों को रोजगार से जोड़ने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में
10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे माटी कला संबंधित विकास कार्यक्रम व जनपद लखनऊ में माटी कला टेरा कोटा प्रशिक्षण एवं फैसिलिटी सेंटर की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा उद्योग सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80,000 हथकरघे में हैं। प्रदेश में 2.58 लाख पावर लूम कार्यरत हैं, जिसके माध्यम से 5.50 लाख पावर लूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने एवं प्रदेश में अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 प्रख्यापित की गई है, जिसमें वस्त्र क्षेत्र के निवेश को एवं नया स्वरोजगार प्रारंभ करने वाले युवाओं को अनेक वित्तीय सुविधाएं अनुबंध की गई हैं, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। गारमेंटिंग नीति 2017 के अंतर्गत 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के पावर लूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है, इस हेतु 345 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पावर लूम उद्योग विकास योजना हेतु 20 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। झलकारी बाई पोरी हथकरघा एवं पावर लूम विकास योजना हेतु लगभग 18 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ITM एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, वित्तीय वर्ष 2021-22 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना लागू की गई। इस पायलट योजना का विस्तार करते हुए लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत अनुरूप 2 करोड़ टैबलेट स्मार्टफोन का 5 वर्षों में वितरण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। योजना हेतु 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण नीति के कार्यान्वयन हेतु 401 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्टेट डाटा सेंटर हेतु 85 करोड़ 89 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति हेतु 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए प्रदेश में IT पार्क्स की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2017-2022 के तहत राज्य को लगभग 53,000 व्यक्तियों को रोजगार के साथ लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा नई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 दिनांक 18 नवंबर 2022 को अधिसूचित, इसके अंतर्गत लगभग रुपए 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है, जिससे लगभग 50,000 व्यक्तियों हेतु प्रत्यक्ष एवं 1 लाख व्यक्तियों हेतु अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। बेसिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय अशासकीय लगभग 2,23,712 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें सभी बच्चों के लिए 1 से 3 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। समग्र शिक्षा अभियान में हेतु 255 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करने की कार्य योजना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। केंद्र सरकार की सहायता से PM श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने हेतु 510 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर के पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई, योजना हेतु 300 करोड़ रुपए व्यवस्था की गई है। गरीबी रेखा के ऊपर के लगभग 28 लाख छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत लगभग 2 करोड़ छात्र छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क स्वेटर एवं जूता मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कक्षा 1 से 8 तक छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाने का जाने हेतु 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बनटंगिया गांव में प्राथमिक एवं
उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन एवं निर्माण हेतु 11 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रवेश दिलाए जाने हेतु 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माध्यमिक शिक्षा, वर्तमान में प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद से संबंधित सामान्य शिक्षा हेतु 2357 राजकीय, 4512 शासकीय सहायता प्राप्त एवं 21023 वित्तविहीन स्कूल, वित्तविहीन कुल 27892 माध्यमिक विद्यालय तथा संस्कृत शिक्षा के लिए 2 राजकीय, 971 सहायता प्राप्त एवं 267 वित्तविहीन कुल 1240 विद्यालय संचालित है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्वित्त पोषित विद्यालयों के भवनों के अनुरक्षण संवर्धन के लिए विद्यालय की परिसंपत्तियों का उपयोग करते हुए विद्यालयों की आय बढ़ाने की योजना प्रस्तावित। केंद्र सरकार की सहायता से पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किए जाने हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 1003 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रोजेक्ट अलंकार योजना अंतर्गत 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। संस्कृत विद्यालयों की परिसंपत्तियों के सृजन हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्वित्त पोषित विद्यालयों में निर्धारित आय सीमा से कम आय वाले माता पिता की दूसरी बच्ची की फीस प्रतिपूर्ति हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा, प्रदेश में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्तमान में 19 राज्य विश्वविद्यालय, 1 मुक्त विश्वविद्यालय, 1 डीम्ड विश्वविद्यालय, 30 निजी विश्वविद्यालय, 172 राजकीय महाविद्यालय, 331 सहायता प्राप्त शासकीय महाविद्यालय एवं 7372 स्वित्त पोषित महाविद्यालय संचालित है। नेक रैंकिंग में लखनऊ एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय को ए डबल प्लस श्रेणी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार KGMU को भी